ए वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जींद द्वारा अभी हाल ही में बीएड कोर्स के लिए ऑनलाइन एग्जाम लिए जा रहे हैं और ये एग्जाम एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में लिए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें के चार में से एक उत्तर का आपको चुनाव करना होगा। इस संबंध में एक भास्कर न्यूज़पेपर में खबर छपी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि परीक्षा के चर्चा के रूप में है। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये वीडियो प्रत्येक उस विद्यार्थी तक पहुंच पाए जो अभी बीएड के लिए एग्जाम देने वाला है। अगर आप बीएड के संबंध में किसी भी बिंदु पे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी हमारा एक ग्रुप लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से ही है, जहां से आप हमें विभिन्न बिंदुओं पर पीडीएफ फाइलें वगैरह आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शुरुआत से आखिर तक देखें। आज की ये जो खबर है ये है, अब प्रत्येक प्रश्न के लिए विद्यार्थी को मिलेगा एक मिनट। इससे पहले जो चर्चा हुई थी, जो CRSU का नोटिस आया था, उस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई थी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए विद्यार्थी को केवल मात्र 45 सेकेंड ही दिए जाएंगे। अगर 45 सेकंड में विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर कर लेता है तो ठीक है, अन्यथा नेक्स्ट पर्सन आ जाएगा। लेकिन अब परीक्षा के संबंध में विभिन्न टीचर एजुकेशन कॉलेज की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से या बुद्धिजीवी वर्ग की तरफ से जो यूनिवर्सिटी को मेल की गई थी उसके आधार पर यह फैसला लिया गया है कि अब परीक्षा के लिए परीक्षार्थी को 45 सेकेंड नहीं बल्कि एक मिनट का टाइम दिया जाएगा। परीक्षाएं जो है वो 26 से होंगी, जो कि NCTE नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन RCI जो कि स्पेशल एजुकेशन से संबंधित बीएड होती है उसके कोर्सों को अप्रूव्ड करते हैं की परीक्षा के संबंध में। ये द्वितीय वर्ष की 26 अक्टूबर से यानी बीएड सेकेंड ईयर की जो परीक्षाएं होने जा रही हैं वो परीक्षाएं होंगी 26 अक्टूबर से और बीएड फर्स्ट ईयर के लिए जो परीक्षाएं हो रही हैं वो परीक्षाएं होंगी 3 नवंबर से, यानी कि पहले बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम करवाए जाएंगे और उसके तुरंत बाद बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जाम करवाए जाएंगे। इन परीक्षाओं में करीबन 44,837 विद्यार्थी जो हैं वो उन्होंने परीक्षा देने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो रजिस्ट्रेशन के संबंध में भी हमने पहले एक वीडियो का निर्माण कर दिया था, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो का लिंक हमारे इस YouTube चैनल की आई बटन में और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप ये रजिस्ट्रेशन के बारे में भी वीडियो देख सकते हैं। ये जो न्यूज आई है इसमें जींद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश पुनिया, डीन ऑफ एकेडमिक प्रोफेसर SK सिन्हा और परीक्षा नियंत्रक राजेश बंसल, यानी कि परीक्षा संचालन का जो मुख्य कार्यभार होता है वो इन्हीं पर ही होता है। तो इन्होंने ये एक तरह से सभी न्यूज़पेपर से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको बुलाया है और उसके बाद में इन्होंने अपने उनसे जुड़े हुए प्रश्नों का उत्तर दिया है, जिसके आधार पर ये एक तरह से फैसला लिया गया है। खबर को और अधिक विस्तृत देखते हैं तो चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार और परीक्षा नियंत्रक राजेश बंसल ने बताया कि NCERT, NCTE, RCI अप्रूवल जितने भी कॉलेज हैं उनकी परीक्षाएं जो है वो 26 अक्टूबर से ऑनलाइन रूप में होगी, जिसमें बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों कक्षाओं के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। इन परीक्षाओं में 44,837 विद्यार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवाया है। यह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में पत्रकारों के समक्ष हुई थी।
इस संबंध में उन्होंने कहा कि 38,754 नियमित और 3,754 रीअपीयर के विद्यार्थी हैं। इन परीक्षाओं में जो कि टोटल 44,837 हैं, इनमें से 3,754 ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिनकी रीअपीयर है। अब तक 10,000 विद्यार्थी मॉक टेस्ट दे चुके हैं, यानी कि अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो आपको मॉक टेस्ट भी देना चाहिए। मॉक टेस्ट जिस तरह से प्री बोर्ड या प्री यूनिवर्सिटी एग्जाम लिए जाते हैं, खासकर स्कूलों में बोर्ड की क्लासों में बोर्ड की परीक्षा होने से कुछ दिन पहले एक कंप्लीट पेपर लिया जाता है, तो उसी तरह ये मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनसे जुड़ें और परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत न आए। तो अगर अभी तक आपने ये मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो इस वीडियो के तुरंत बाद आप मॉक टेस्ट दें। मॉक टेस्ट के लिए आपको जो एक वेब पेज का लिंक है जहाँ से आपका मॉक टेस्ट होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, या फिर उसका लिंक आपको लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन नाम के हमारे टेलीग्राम ग्रुप है उस पर दे दिया जाएगा। विद्यार्थी अपने कॉलेज पर या फिर साइबर कैफे से परीक्षा दे सकते हैं। एक साथ 10 बच्चे बैठकर भी परीक्षा तक सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चैट बॉक्स विद्यार्थियों को हाजिरी भी कंफर्म की जाती है। तो इस बार तो परीक्षा के संबंध में यही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये जो खबर दी गई है ये विद्यालय से संबंधित है, तो विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही बड़ी अच्छी राहत भरी खबर है कि अब आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 45 सेकंड नहीं बल्कि 1 मिनट का यानी कि 60 सेकंड का टाइम दिया जाएगा जो कि आपकी परीक्षा होगी। अगर आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है तो ऐसी परिस्थिति में उस प्रश्न को आप स्किप न करें बल्कि तुक्के के आधार पर भी उस प्रश्न का उत्तर आवश्यक रूप से दें, क्योंकि एक बार आपने अगर परीक्षा में उस प्रश्न को छोड़ दिया तो दोबारा उस प्रश्न को हल करने का आपको मौका नहीं मिल पाएगा। परीक्षा पे चर्चा के संबंध में विभिन्न अखबारों में आने वाली महत्वपूर्ण खबरों को आधार बनाते हुए हमने इस वीडियो का निर्माण किया है। आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो नियमित रूप से हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से 9355695753 कॉन्टैक्ट नंबर के रूप में जुड़े हुए हैं। तो परीक्षा के संबंध में अगर आपके पास इसी तरह की कोई और महत्वपूर्ण खबर है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भेज सकते हैं और उस खबर को हम वीडियो के माध्यम से प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी को फ़ायदा मिले। आपसे बस इतनी सी ही एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इसी साथ ही साथ कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दें ताकि ये खबर प्रत्येक उस विद्यार्थी को मिल जाए जो कि अभी हाल ही में चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी से बीएड के लिए वार्षिक परीक्षा में भाग लेने वाला है। तो यह एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर है। इसी तरह की तमाम अच्छी खबरों के लिए या लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार।